मुझे बात करने दो उसे, मैं उसे बताऊंगी कि प्रॉब्लम क्या है और हम लोग क्या रास्ता निकाल सकते हैं। जरूरत पड़ी तो वो कॉल भी करेगी। ओके ठीक है। ऐसी चीजें खाने से तो अच्छा है कि मैं भूखी ही मर जाऊं। उफ, एकदम बकवास। यहाँ तो ऑरेंज जूस भी दिख रहा है। मिस सेल्डा, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? हाँ बोलो। दरअसल मैं अपनी दोस्त एमएल की प्रॉब्लम लेकर आई हूँ आपके पास। क्या प्रॉब्लम है बताओ? उसे और उसकी बेटी को उनके घर से निकाला जा रहा है। क्या वो हमारे यहाँ, मतलब कि जो लॉज खाली पड़ा है उसमें कुछ दिनों के लिए रुक सकती हैं? अच्छा, एमएल की बेटी भी है? उसकी उम्र कितनी है? 20 साल। नहीं सुकरान, नहीं, मैं नहीं चाहती एक जवान लड़की यहाँ रहे। तुम्हारी बेटी की बात अलग है, ठीक है रह सकती है, लेकिन एक अनजान लड़की यहाँ हरगिज नहीं। मैं जानती हूँ, पर एमएल की बेटी अभी दूसरे शहर में है, वो समर के बाद आएगी, तब तक शायद इन्हें दूसरा घर भी मिल जाए। ठीक है फिर। थैंक यू मिस सेल्डा। और वो अपना कुछ सामान अगर हमारे गैराज में भी रख पाए तो? वो सब तो तुम ही मैनेज कर लेना। जी मिसेस सेल्डा, क्या आप एमएल से बात करना चाहेंगी? नहीं चलेगा, तुमने बता दिया ना, काफी है। पर जो मैंने उसकी बेटी को लेकर बोला उसका ध्यान रखना जरा। जी मिसेस सेल्डा, एक्सक्यूज मी। ऑफ कोर्स ऑरेंज जूस फ्लेवर बढ़ाता है, इतना स्वीट जो टेस्ट करेगा वो। क्या बोला उन्होंने? जो बोलना चाहिए था हाँ कर दी। शुक्र है। चलो चलकर तुम्हारा सामान ले आते हैं। ओके। आ गई मॉडल। नो वंडर एक घंटा लगा है इसे रेडी होने में। ऐडा आराम से अगर सुन लिया तो खा जाएगी तुम्हें। हाँ बिल्कुल। What's up guys? सब ठीक है? बताइयो, आपका यार मिल गया? हाँ ये मैंने भी सुना। ऑलमोस्ट 24 घंटे हो गए हैं पर मैंने अभी तक उसे देखा नहीं है। वो बस यहाँ आते ही होंगे। वो मतलब कौन? मेरे कहने का मतलब है कि कैप्टन और उसके लोग यहाँ आते ही होंगे। वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नहीं देखा वोल्कन? क्या तुम साथ नहीं हो? अरे हाँ भैया, कहाँ पर है वो? अरे नहीं, हम अब भी साथ हैं, तुम चिंता मत करो, मिलवा दूंगा तुम्हें, कहा ना। कोई नहीं, देखेंगे। अब अगर आप मुझे मौका दें तो मैं बुराक को बुला कर लाता हूँ। रुको, मैं भी आता हूँ साथ में। मैं भी आऊँ क्या? तो क्या उसके स्वागत में पूरी बारात आई है? बैंड बाजा भी बुलाना है क्या? तुम्हें साथ जाना है तो जाओ, मैं वोल्कन को अकेले नहीं जाने देना चाहता था। तो मैं यहाँ पर रुक जाऊंगी। ठीक है फिर, उसे लेकर आते हैं। Yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.